हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 32 के साथ हाजिर हूं। दैट आई वेज नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे उसे पता चलता है कि लिन उसका प्लान फिर से खराब करने पर तुला हुआ है और सभी की सभी जो लड़कियां होती है उनके दांत तोड़कर उन्हें आजाद कर रहा होता है उससे कंट्रोल से। तभी जो बुलेट नाइट होता है उससे कहता है, मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करने दूंगा, मुझे अब समय आ चुका है कि मैं पर्सनली तुम पर अटैक करूं और एक्शन लूं इस सिचुएशन के खिलाफ। तभी एक बंदा आकर ब्लड नाइट से कहता है, बड़ों को इस तरीके से बाहर इतनी आसानी से नहीं जाना चाहिए। तो गाइस ये होता है बी लेवल का गोस्ट सोल्जर डेप्यूटी चीफ नेड मेयर और वो ब्लड नाइट से कहता है, तुम इस मिशन के कमांडर इन चीफ हो और तुम्हें जो गोस्ट सोल्जर है उन्हें तुम्हारी कमांड की जरूरत है। तभी ब्लड नाइट से कहता है, अच्छा तो तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो? और वो ब्लड नाइट से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं उस लिन से आसानी से निपट लूंगा। तभी ब्लड नाइट उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम लिन से नहीं निपट पाए तो अपना जो सर है वो मेरे पास लेकर आना। और वो वहाँ से जाने लगता है और स्माइल बड़ी बड़ी डरावनी स्माइल मारता है, हंसते हुए कहता है, हो योर एक्सलेंसी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब बस आराम करो और मजे से खाना खाओ, बाकी सब माई देख लेगा माई। तभी हमें दिखाया जाता है जो नाइट पेट्रोल डिवीजन की टीम होती है वो उन सभी लड़कियों को बांध कर रख देती है और काउंटिंग करने लगती है और बोलता है, सभी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जो पेमेंट है वो तुम्हारे अकाउंट में भेज दी जाएगी। तभी जो अंकल होते हैं वो उससे कहते हैं, बहुत अच्छे, इस बार तो हमने वाकई में फॉर्च्यून बना लिया, किस्मत चमक गई इनकी तो पैसे पैसे छाप दिया। तभी जो फैटी होता है उसके टीममेट होते हैं, वो ब्लैक लड़की होती है वो उसकी फोटो खींच रही होती है और वो जो फैटी होता है वो रोते हुए चिल्ला रहा होता है, हे बस मेरे पर हंसो मत, मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेके आओ, शर्ट वर्ट। तभी जो लिन होता है वो एक मतलब टूटी फूटी जगह पर एक खड़ा होता है और बोल रहा होता है, इस सिटी में बहुत सारी जगह पर और भी ज़्यादा गोस्त होंगे और वो और उन सभी को मारा जाना ज़रूरी है, लेकिन अभी की सिचुएशन के साथ देखा जाए तो जो ब्लड नाइट गोस्त है वो भी गैलन सिटी में ज़रूर आया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कॉस्ट लगेगी, मैं उसे यहाँ पर मेरे हाथों से मरना होगा और उसे दफनाने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कहीं दूर से आवाज़ आ रही होती है, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। जिसे सुनके बाद जो अंकल है उनके तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और जो फैटी कहता है, अरे ये आवाज़ तो किसी वुमन की लग रही है, जैसे ही अंकल सुनते हैं वुमन चार चांद लग गए उनके चेहरे पर और दोनों के दोनों उस तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। और तभी उससे फैटी भागते हुए कहता है, वहाँ पर जरूर गोस्त अटैक कर रहे होंगे क्यूट क्यूट लड़कियों पर। तभी जो अंकल होते हैं वो कहता है, जल्दी से मुझे सभी लोग फॉलो करो, हम सभी मिलकर उन लोगों को बचाएंगे। उनकी बात सुनकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और एकदम सरप्राइज होते हैं उसके टीममेट वाले अंकल वाले। और लिन कह रहा होता है, ये दोनों के दोनों वाकई में बहुत ज़्यादा ठरकी लोग हैं, नाम सुनते ही भग गए। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ लटकी हुई होती हैं और चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, और वो लोग वहाँ पर आ गए होते हैं बढ़िया। तभी जो सूतंग होती है और जो कोको होती है वो उससे कहते हैं, ये कमीने गोस्त कहीं के, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई एक जिंदा इंसान को इस तरीके से लटकाने की। तभी जो अंकल होते हैं उनके तो आंखें चमक उठती हैं और दिल गार्डन गार्डन उड़ता है और बोलता है, यहाँ पर तो चार चार लड़कियाँ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो मैं बचाऊँगा। और जो फैटी होता है उसकी भी लार टपकने लगती है, ठरकपन जाग उठा दोनों का। तभी जो लड़की होती है वो डरावना तो चेहरा बनाती है, अच्छा है तुम दोनों जल्दी से मेरे पास आओ। ये देखने के बाद लिन को अचानक से होश आता है और बोलता है, यहाँ पर कुछ सही नहीं है, जो इनका स्मेल आ रही है वो गोश्त की स्मेल आ रही है उन पे से। तभी लिन उनसे कहता है, जल्दी से यहाँ के आसपास से जल्दी से दूर चले जाओ, यहाँ पर कुछ सही नहीं है। और वहाँ की जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पर गलत क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। और एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और बोलती है, और वो लोग बोल रहे होते हैं, लो हम लोग इस फॉर्मेशन में फंस चुके हैं। लिन को छोड़कर बाकी के सभी उसमें फंस जाते हैं और वो अलग डायमेंशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वो चार लड़की दिखाई जाती है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, वो बस एक कठपुतलियाँ हैं। तभी वो गोस्त आकर हंसते हुए कहता है, ये बेवकूफ़ इडियट तो मेरे ज़्यादा बेवकूफ़ बन गए, अब बेवकूफ़ से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। और तभी वो कहता है, ड्रीम वर्ल्ड ओपन, तो उन्होंने ड्रीम वर्ल्ड में उनको भेज दिया होता है। और वो गोस्त कहता है, लेकिन जो भी मेरे ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करता है वो हमेशा के लिए सो जाता है और वो वहाँ से भाग नहीं सकते, और उनकी जो मेंटल एनर्जी है और उनकी कॉन्शियसनेस है वो कम पूरी तरीके से खो जाती है और लॉस हो जाती है। और लिनले को जो और उनके साथी हैं वो पूरी तरीके से मेरे ड्रीम वर्ल्ड में कैद हो जाएंगे और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है फैटी को, फैटी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है
बहुत सारी मेड उसके चारों तरफ बैठी हुई खड़ी हुई होती है और वो बढ़िया खाना बना सामने उसके सामने रखा हुआ होता है और वो ड्रीम वर्ल्ड में पहुँच कर यही सब सपने देख रहा होता है और कहता है वाओ ये तो बहुत ज़्यादा यह मजेदार है यह। और तभी हमें उसका सीन दिखाया जाता है फैटी के समन किए हुए ड्रैगन का, वो भी बढ़िया खा रहा होता है। तभी उससे फैटी कहता है तुम फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो, तुम साइंस वर्ल्ड में रहना नहीं चाहते थे इसलिए तुम वापस से बाहर आ गए खाना खाने के लिए ना। तभी एक मेड को दिखाया जाता है, वो एक चिकन का पीस उठाती है और फैटी के पास आकर कहती है हे फैटी तुम ये खाओगे ना मेरे हाथों से, जल्दी से आओ इसे खाओ। अजीब सा पोज बनाती है वो और वो टर्की बढ़िया स्माइल मारते हुए खाने लगता है और मन में सोचता कहता है ओह हॉली शिट आखिरकार किस तरीके की जगह है ये वाकई में बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। तभी दूसरी मेड आती है और उसे कुछ ग्रेप्स लाते हैं, उससे बोलती है ब्रदर इसे भी खाओ ये भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी तीसरी मेड आती है उस पर वाइन पिलाने लगती है और बोलती है जरा इसे पियो ब्रदर। और ये फैटी होता है उसका ट्रक पर तो जाग ही उठा होता है समझ रही होगी और वो बोलता है वाकई में तुम्हारी वाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है लिटिल सिस्टर। और उसका पेट इतना ज़्यादा फूल गया होता है खा खा कर एकदम मॉन्स्टर लग रहा होता है। तभी फैटी उससे कहता है खैर सिस्टर अब मैं और ज़्यादा नहीं खा सकता, अगर मैं इस तरीके से खाते रहा तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाऊँगा। तभी एक लड़की पता नहीं बड़ी सी बोतल उठा के लाती है और बोलती है भला एक आदमी कैसे नहीं टिक सकता इसकी तरफ, जल्दी से लाओ जल्दी से इस वाटर पानी को पी लो और उस खाने को बाहर निकाल दो। फैटी बहुत सरप्राइज हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अंकल का सीन, अंकल एक जगह पर खड़े हुए होते हैं और वो बोलते हैं सिर्फ आँख झपकाते मैं ऑलरेडी किंग मर्सनरी इस वर्ल्ड का किंग मर्सनरी बन चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं लाइन से और वो कह रहे थे प्लीज़ हमारे इस मिशन के एक्सेप्ट कर लीजिए मिस्टर चू और आप तो मर्सनरी के गॉड हो इस वर्ल्ड के, प्लीज़ हमारी मदद करो। तभी कोको और उसके साथियों को दिखाया जाता है, वो भी उसके आजू बाजू खड़े होते हैं और बोल रहे थे बॉस हम इस मिशन को ले क्यों रहे। तभी जो अंकल होते हैं वो उसे कहते हैं 50 मिलियन से कम का जो मिशन होगा मैं हम लोग उसे नहीं लेंगे और बोलता है तुम चाहते हो कि इस वर्ल्ड के नंबर वन मर्सनरी तुम्हारा मिशन ले और जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। तभी हमें मोशोंग को दिखाया जाता है, वो भी सपने वाली दुनिया में खो जाता है और बोलता है ओ मोचैंग सिस्टर तुम वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वो उसके सपनों में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के साथ ही शादी कर रहा होता है और किस करने को होता है और बोलता है मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पास दोस्तों कहता है आज मेरी शादी हो गई है आज रात को बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं ये मेरा बचपन से सपना था। और वो तीन बाकी के तीनों जो सूतोंग और जो एक लड़की होती है उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन ये तीनों के तीनों भी सपनों में खो जाते हैं और बढ़िया राइड कर रहे होते हैं रोलर कोस्टर पर मजे मार रहे होते हैं। इनके सपने तो अलग ही है अलग ही लेवल पर है। तभी हमें दिखाया जाता है जो गुज़गोस्तन है उनको कंट्रोल किया जाता है, मतलब सभी लोगों को ड्रीम वर्ल्ड में डाला हुआ होता है और वो कहता है ये सभी के सभी लोग मेरे ड्रीम वर्ल्ड में कैद हो चुके हैं, सिर्फ जो मिसिंग है वो लिन रह गए, मैं उस लिन को रोते हुए देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आखिरकार कितना ज़्यादा हर्ट होता है अंदर से वो और सपनों में सबसे ज़्यादा हर्ट हो मैं ये चाहता हूँ। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है वो भी सो रहा होता है। तभी उसकी अचानक से आँखें खुलती है और बोलता है मैं घर पर वापस आ गया और एक बेड से उठता है वो। तभी उसके बगल में हमें दिखाया जाता है हॉन्ग ये सो रही होती है और बोलती है हे लिन तो वाकई में आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए और देखने के बाद कहता है ओ ये तो रेड लीफ थीफ है वो हॉन्ग ये और अजीब सा लुक बनाता है जिसको देखने के बाद जो हॉन्ग ये होती है वो कहती है लिन आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ तुम्हारे कुछ गड़बड़ वगड़बड़ है क्या। तभी जो लिन होता है वो सीधे जाकर हॉन्ग ये गले लगा लेता है जोर से पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी जो हॉन्ग ये होती है वो कहते हैं मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते आखिरकार तुम अचानक से बच्चों की तरह हरकत क्यों करने लगे। और तभी हमें हॉन्ग ये को दिखाया जाता है वहाँ से जाते हुए और बोल रही होती है तुम जल्दी से खड़े हो जाओ मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है लिन को वो हॉन्ग ये के पास आता और पीछे से जोर से कस के पकड़ लेता और बोलता है हे रेड लीफ क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे पकड़ सकता हूँ। तो जो हॉन्ग ये होती है वो तो शर्माने लगती है उसका चेहरा भी इतना लाल पड़ गया होता है। तभी जो हॉन्ग ये होती है वो लिन से कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मुझे पूरी ज़िंदगी भर अपनी पूरी लाइफ में ऐसे ही पकड़ सकते हो। तभी जो लिन होता है वो रोते हुए कह रहा होता है उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं कहता है इवन तो मुझे ये पता है कि ये सपना है लेकिन मैं अभी भी वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो हॉन्ग ये होती है वो उससे कहती है मैं वाकई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेली हूँ क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तभी जो सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है और लिन को ऑप्शन देता है और बोलता है इन तीनों में से एक ऑप्शन चुनो। तभी जो हमें दिखाया जाता है पहला ऑप्शन होता है कि इस ड्रीम वर्ल्ड में रह जाओ और इसके साथ पूरी पूरी ज़िंदगी बिताओ अपनी, और सेकंड ऑप्शन होता है इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दो और इसको
डिमोलिश कर दो पूरी तरीके से। तीसरा ऑप्शन होता है इस ड्रीम वर्ल्ड को पूरी तरीके से तबाह कर दो और अपने दोस्तों को बचा लो। और जो लिन होता है बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और मन में सोचते बोलता है आखिरकार मैं कैसे रेड लीफ को मतलब इस होंगे को छोड़ना चाहूंगा और सीधे जाकर जाग जाऊं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो कुछ भी है वो रियल नहीं है और वो होंगे को बहुत टाइट से पकड़ रहा होता है और वो डरावना चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है मैं उस ब्लड नाइट गोस्ट को अपने हाथों से हराना चाहता हूँ और मैं रेड लीफ थीफ को मतलब होंगे को वापस से जिंदा करना चाहता हूँ। तभी देखा जाता है वो सपनों वाली रेड लीफ थीफ होती है मतलब होंगे होती है वो वहां से डिमोलिश होना स्टार्ट हो जाती है, गायब होना स्टार्ट हो जाती है, धुएं में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से जो गोस्ट होता है जिसने ड्रीम वर्ल्ड को बनाया होता है उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी बैंड बजना स्टार्ट हो जाती है। तभी वो गोस्ट कहता है ओ शिट लिन ने तो वाकई में मेरे ड्रीम वर्ल्ड को क्रैक कर दिया। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो गैस वैसे भी ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, 2-3 चैप्टर और बचे हैं मुश्किल से और जैसे ही आगे आएंगे तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मैं देखता हूँ कोई नई सीरीज, अगर कोई नई सीरीज मुझे अच्छी लगी तो जैसे ये खत्म होगी इसके सारे चैप्टर खत्म होंगे हम लोग वो सीरीज चालू करेंगे, तब जाएगा बहुत ज्यादा मजा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।